अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस को नामजद कर दिया। फॉर्मिडेबल क्या कहते हैं, दुश्मन से हमारा रابطہ होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कांस्टेंटली मूव होगी। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं मगर इंडिया का टच तो है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओस इंडिया नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक है। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए जो भी नामांकन आने थे आ गए, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिसमें से मेनली जो थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। कमला हैरिस का भी नाम चल रहा था उस रेस में। कमला हैरिस का नाम जो है उसको आखिरकार डेमोक्रेटिक फाइनल पार्टी की तरफ से फाइनल किया जा चुका है और जो बाइडेन ने अपना जो नामांकन है, अपना जो उम्मीदवारी है वहां से वो पीछे लेते हुए उन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। अच्छा, ये खबर से पाकिस्तान एकदम से सुन्न हो गया है। पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है वो चुनाव से, लेकिन बस कमला हैरिस वो कैंडिडेट जो है वो भारतीय मूल की है, हाफ इंडियन उनसे कह सकते हैं हम, हाफ भारतीय ओरिजिन वाली, क्योंकि उनकी माँ जो है वो इंडिया से बिलोंग करती थी चेन्नई से और उनके फादर जो है वो अफ्रीकन थे। एक इंडियन ओरिजिन की जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे मिली हुई है अमेरिका को एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं बट मेनली कमला हैरिस की बात इसलिए होती है क्योंकि वो भारतीय मूल की है। अब पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया सकते में है सुन है ये सुन के कि भारतीय मूल के लोग पहले तो चलो बड़ी बड़ी कंपनियों में एक सीईओ के लेवल पे आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे हमने देखा है कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल वाले थे वो भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पिछले कार्यकाल में उनके यूके के। साथ ही साथ अभी कमला हैरिस का नाम आगे आने के लिए जो आगे आया हुआ है और उनको जो बाइडेन के साथ साथ बिल गेट्स उसके बिल क्लिंटन ने भी सपोर्ट किया है सॉरी, और साथ ही साथ ये भी सुनाई में आया है कि ओबामा भी कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में काफ़ी आगे हैं, बहुत आगे हैं इस रेस में और उनका जितना लगभग तय माना जा रहा है हर टीवी शोज में जहां पे डिबेट्स होती है वहां पे जो बाइडेन काफ़ी फीके लग रहे थे अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप का माहौल काफ़ी अच्छा है, उनका एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ उनके ऊपर में पिछले कुछ समय में जो हमला हुआ है उससे भी शायद उनको कुछ गेन हो सकता है। और हमें तो चलो यूएस की जो पॉलिटिकल ये है उनमें होता है कि हम उस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, बस हमारा ये लुकआउट रहता है कि कुछ हमारे अगेंस्ट ना जाए, जो भी हो एक अच्छा हो, हमारे जो रिलेशंस है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहे। तो पाकिस्तान वाले सुन रहे हैं ये सब देख के, तो अभी उस मीडिया में क्या बातें चल रही है पाकिस्तान मीडिया में, हमेशा की तरह एक और चांस ढूंढते किस वजह से वो नाराज़ हो, किस वजह से उनको दुख हो, क्योंकि भारत अगर आगे बढ़ता है, भारतीय अगर आगे बढ़ते तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो देखते हैं मीडिया में किस तरीके की बातें चल रही है, किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को लेके, वीडियो में देखते हैं। वीडियो का अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। दो तीन कंट्रीज ऐसी हैं जिनके इलेक्शंस जब होते हैं तो लोग बहुत गौर से देखते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के इलेक्शंस हो चुके हैं, अब अमेरिका की बारी है और जो बाइडेन जी जो हैं उनके लिए कहा जा रहा था पहले के जी बड़ा टफ कंपटीशन होगा ट्रंप साहब के साथ, फिर फायरिंग हुई और जो कुछ हुआ। अब सुनने में ये आया है, जो न्यूज आई है वो ये कि जो बाइडेन जो है वो इस रेस से आउट हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? ये जो फोटो आपने लगाई है 4 साल पुरानी होगी, क्योंकि इतना स्माइल आज इनके चेहरे पे नहीं होगी 100%। ये पुल आउट करने का हमें पता था कि देखो हमें नहीं पता था इन द सेंस कि ये एक इंट्यूजन थी सबके अंदर कि ट्रंप भारी पड़ रहे थे बाइडेन पे और बाइडेन पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा प्रेशर भी था और बोला ही जाता है कि ये तो ओबामा पार्ट 3 गवर्नमेंट थी जो अब तक, अब ये नवंबर में फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर इलेक्शन होता है, दिन ही कितने बच्चे हैं, प्राइमरीज में निकाल गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसे वीडियोस आए, बहुत सारी ऐसी बातें आई सामने कि ट्रंप की तरफ से भी और दूसरे कैंप्स की तरफ से भी, अच्छा अंदर ही बाइडेन की अपनी पार्टी में बहुत रिजेंटमेंट था कि बाइडेन जीत नहीं पाएंगे, ट्रंप इस पर और स्ट्रांग हो गया है, ट्रंप ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। बाइडेन बेसिकली पुल आउट करना नहीं चाहते थे, ये प्रेशर के अंडर किया। अगर पुल आउट करना चाहते होते तो वो इतना इंतजार नहीं करते, जो टीवी डिबेट्स हैं उसमें वो साफ हारते हुए दिख रहे थे और गंदा हारते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल रोला दिया था, अच्छा इंसल्ट की थी, टीवी डिबेट्स से के सामने फेस करने से ही मना कर रहे थे। और आप फेस नहीं करेंगे टीवी डिबेट को तो
तो आपके लिए ये इमेज जाएगी कि ये आदमी क्या हमारे कंट्री को चलाएगा इतने साल। आखिरकार अमेरिका वो कंट्री है जिसमें दो ही टर्म होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अमेंडमेंट्स हो गए वो आजादी के कुछ साल बाद ही हो गए थे। अब इतना कंबसम प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए कि दो दो एरियाज, एक पोर्टो रिको और दूसरा गुआम, ये दोनों के दोनों कई बार बोल चुके हैं कि हमें आप अपने अंदर ले लो, हमारे हमें भी एक स्टेट बना लो अपनी। वो प्रोसेस ही आप अवेलेबल नहीं है, मतलब मान लीजिए कि वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, इतना टफ, वो सारी स्टेट से भी पास कराना पड़ता है, वो परसेंटेज और ये वो सब मिलकर के, इट्स वेरी टफ टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो ही मतलब टर्म मिलते हैं और इसीलिए दिए जाते हैं दो टर्म्स, कि अमेरिकन्स ये पसंद नहीं करते कि हमारा कोई भी प्रेसिडेंट ज्यादा लंबा रूल करे और उतना लंबा रूल करने के बाद उसकी हालत वो हो जाए कि वो कंट्री रूल करने लायक ना हो। यहां सामने दिख रहा था, हमारे सामने अब सिचुएशन ये है कि जो बाइडेन पुल आउट कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल चुकी है। मतलब मैं ये पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं अमेरिका का बता रहा हूँ, ठीक है। एक कैंडिडेट पे गोली चल चुकी है, दूसरा कैंडिडेट वो अपना मैदान छोड़ के भाग गया है, बोला मेरी वाइस प्रेसिडेंट है इसको लड़वा लो, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, ये इंडिया का इलेक्शन है भाई साहब। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। जैसे ही ट्रंप ने अपना बाइडेन ने अपना कैंडिडेटचर वापस लिया है, तो इमीडिएटली एक विकिपीडिया पेज, मैंने उसका खुद का शॉर्ट फोटो ली, विकिपीडिया पेज पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पर कुछ नहीं था, और दूसरे वाले पे सब कुछ लिखा हुआ था। अगले 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो गया। इसका मतलब कि कमला हैरिस वॉज रेडी विद इट, और उसके बाद कमला हैरिस ने इमीडिएटली उसको बना दिया। कमला हैरिस को पता था कि हम पेज बना देंगे, ये पेज 15 मिनट, दोनों पेज 15 मिनट के अंदर अंदर बने, और जैसे ही ये आया है और इमीडिएटली बिल क्लिंटन भी बाहर आए, बिल क्लिंटन ने आके कमला हैरिस को सपोर्ट किया। अच्छा, बिल क्लिंटन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे, और कमला हैरिस को आई थिंक कमला हैरिस को सपोर्ट ओबामा भी करते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि कमला हैरिस ही बनेंगी, और क्योंकि प्राइमरी से निकले हैं। अच्छा, अमेरिका में एक प्रोसीजर है, अगैन मैं आपको किसी इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और वो महान डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आदमी इलेक्ट होने के बाद भी कुर्सी पर नहीं बैठ पाता, ऐसा होता है, ठीक है, उसके एमपी तोड़ दिए, किसी ने एमएलए तोड़ दिए, हो गया। अमेरिका में बिना इलेक्ट हुए भी एक प्रेसिडेंट बन चुका है जिसका नाम था जेरल्ड फोर्ड। वो कह रहा था कि अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, उसके बाद प्रोटेस्ट चल रहे थे, और प्रोटेस्ट के दौरान पे निक्सन को बोला गया कि आप, निक्सन बेसिकली निक्सन के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, तो कांग्रेस ने उनको बोला कि हम तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट दे रहे हैं।